नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज कई मेहमान हैं और चर्चा होगी बिहार के शिक्षकों की। देखिए, बिहार के शिक्षकों को लेकर जो खबर निकल के आई, जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनकर तैयार हुई, उसमें कितना झोलझाला है, क्या उसमें गड़बड़ियां हैं, क्यों विवाद हो रहा है, क्यों जो शिक्षक संगठन के लोग हैं या जो तमाम जितने नेता हैं जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है 25 नवंबर से, उस दौरान भी सदन में काफी हंगामा होगा ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर। देखिए, हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम परिचय कराते हैं। डॉक्टर अरुण दयाल जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका लाइव स्ट्रीम में। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार यूनिवर्सिटी में और 17 वर्षों तक पटना के मिलर हाई स्कूल में बतौर शिक्षक इन्होंने काम किया है। फिलहाल अब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे समझेंगे क्या बात है। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनसे भी समझेंगे कहाँ दिक्कत हो रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से हमने खास बातचीत भी की है आज, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि ये शिक्षकों के हित के लिए है, शिक्षकों का हित है इसमें, जिले में ही वो रहेंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में जो जिले में कमेटी होती है वहां पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो मुख्यालय में सेक्रेटरी के अंदर जो कमेटी होती है वहां एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये तमाम बातें हो रही है, लेकिन दिक्कत हो क्या रही है, पहले क्या हाल था, नीतीश कुमार कहते हैं। हम जरा उसी बात पर आते हैं, पहले क्या हाल था, पहले क्या नियम था, हम इस वीडियो में जानेंगे, और क्यों इसमें बदलाव किए गए, बदलाव किए गए तो कितने हद तक ये कारगर साबित होंगे कि नहीं होंगे, देखना होगा। अरुण दयाल जी, हम शुरुआत आपसे करेंगे। 17-18 सालों तक लगभग आपने बताओ शिक्षक आपने काम किया, पहले क्या नीति थी ट्रांसफर की और अब क्या चेंज हो गया उसमें? पहले जो नीति थी कि जो हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं उसी नगर निकाय में ही रहना है, उसी नगर निकाय में आपकी ट्रांसफर इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार आपकी ट्रांसफर होगी, पोस्टिंग होगी। फिर उस 17 साल तक लोगों को जैसे दूसरे जिले में लोग चले गए तो उनको दूर दिल जिले में चले गए तो चाहते थे कि हम अपने गृह जिला में आ जाएं कि हमारा रहने सहने का कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन ऐसी मांग थी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की। लेकिन वो शिक्षकों की मांग थी, आप भी उसमें शिक्षक थे, अभी भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर हो गए हैं। जी जी जी। लेकिन उस वक्त मांग थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग मांग थी कि ट्रांसफर किया जाए, दूर दराज में लोग थे तो चाहते थे कि हम नजदीक में आ जाएं, जिससे हमारे परिवार भी हमारे साथ रहे और सब अच्छी तरह से सब कुछ हो, शिक्षा भी अच्छा हो, हमारा परिवार भी देख रेख अच्छी तरह से हो। लेकिन नियम बनी, लेकिन नियमावली आई, लेकिन नीति में बहुत सारा ऐसा उसमें दोष है जो सही नहीं है। दोष है तो दोष क्या है, बताइए ना, क्या क्या दिक्कत हो गई? जैसे इसमें कहा गया कि पहले था कि आपने को जिला में देना है, आपसे रेफरेंस मांगा गया जी, पहले हुआ था कि तीन जिलों में देना है तो जिला ठीक है, जिला अपना ऑप्शन दिया गया, उसके बाद फिर जिला चेंज हुआ था, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, जिला दिया गया ऑप्शन, लोग अपने सुविधा के अनुसार जिला दिया, लेकिन इसके बाद जब नया नीति बनी इसमें नया जोड़ दिया गया अनुमंडल, 10 अनुमंडल। बहुत ऐसे जिले भी हैं जिसमें एक ही अनुमंडल है, तो उसमें 10 अनुमंडल का मतलब कि आधा बिहार, तो उसमें तो परेशानियां हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पटना के लोग सीधा कहीं दरभंगा ना चले जाएं? पटना का लोग दरभंगा चले जाएंगे, समस्तीपुर मधुबनी चले जाएंगे, रोहतास चले जाएंगे, भभुआ चले जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, या इधर जहानाबाद आपको गया तक जा सकते हैं, बहुत दूर, आधा बिहार का मतलब कहीं भी जा सकते हैं जी। तो इसमें ऐसा, तो इसको थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है। यह एक अनुमंडल में प्रखंड की ऑप्शन मांगना चाहिए, 10 प्रखंड भी मांग सकते हैं, उस प्रखंड में स्कूल के भी ऑप्शन मांग सकते हैं, लेकिन अनुमंडल 10 मांगना जायज नहीं है या उचित नहीं है। ये उचित नहीं है, ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री की बात पर भी आपको आपसे बात करेंगे। रवि उपाध्याय जी, हाँ जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप तो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, सबका आपने टेस्ट लिया, स्वाद लिया है, स्कूल में भी थे तो उसका भी टेस्ट आपको मिला, अभी आप प्रोफेसर हैं उसका भी टेस्ट आपको मिल रहा है, तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि, या लोग जानना चाह रहे हैं कि देखिए पुलिस में जो है सो गृह जिला में पोस्टिंग नहीं होती जी। अब आप बोलिएगा कि पुलिस और इससे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के जॉब में अंतर है, लेकिन देखिए आप अपने स्टेट में, पुलिस भी अपने स्टेट में ही होती है और आप भी अपने स्टेट में है, तो हमारी और आपकी क्या है कि जो गांव के जो लास्ट अंतिम पायदान पर बच्चे रहते हैं, परिवार से जुड़े हुए बच्चे होते हैं, वही सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, ये जनरल कंसेप्ट है, आपके हमारे घर के बच्चे भी पढ़ते हैं वहां, लेकिन आप उससे अभव चलिएगा तो वो दून स्कूल, फलना स्कूल, बाहर में अपना वो पढ़ते हैं, तो वो क्वालिटी एजुकेशन की बात है। तो जब आपके जैसे प्रबुद्ध शिक्षक जो जानते हैं समझते हैं, वह नहीं अगर पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, और अपने मान लीजिए कहीं किसी किसी विद्यालयों में आप देखिएगा
कि पोस्ट सैंक्शन मान लीजिए 4 है लेकिन वहां पर एक ही शिक्षक है। अभी हम आपको एक ताजा उदाहरण देते हैं, सीतामढ़ी में एक ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पर उर्दू शिक्षक नहीं है, पोस्ट सैंक्शन है बट वहां पर शिक्षक नहीं है, ये रोने की बात है। तो वो कहां जाएंगे बच्चे? आपको तो आप पे मानना रवि सर कि कई ऐसे जो स्कूल हैं, हम समझना चाहेंगे आपसे, कई ऐसे जो अभी सरकारी स्कूल हैं जहां पर ठीक से शिक्षक बहाल ही नहीं हुए। नहीं समझे आप, ये नहीं माने पोस्ट सैंक्शन है सर, समझेंगे हमारी बात। दो देखिए, दो तीन तरह का पोस्ट होता है जहां तक हम समझते हैं, सैंक्शन और अनसैंक्शन, वित्त रहित और वित्त सहित। तो ये जो है सो ये जो जहां तक हम बात समझते हैं जो पोस्ट सैंक्शन है, स्ट्रेंथ है, फिर वहां पर वो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। अब देखिए सवाल यहां पर है कि वो रिमोट एरिया में है तो भाई उसको कौन पढ़ाएगा? रिमोट एरिया भी तो हमारे ही आपके बच्चे हैं, तो उसको भी तो वही क्वालिटी एजुकेशन चाहिए जो शहर से माने अर्बन स्लम कह लीजिए, अर्बन स्लम में आप और हम जाना चाहते हैं बट रिमोट एरिया के स्कूल कॉलेजेस में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं कि भाई वो रिमोट एरिया में है, तो वहां के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं, उन्हीं को तो उनको भी तो सरकार, उसके भी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है, तो यह सामूहिक जिम्मेवारी उनकी और हमारी भी बनती है। देखिए तो वो जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पिछले दिनों बात कही लाइव सेटिंग से ही बात में उन्होंने बात कही कि देखिए पुलिस में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है लेकिन यहां पर भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको जिले में रखा जाएगा, यह भी कहा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं आप अभी तो कह रहे हैं यही बात में आपने सर जो बोला उसमें देखिए जो दूर जो है या आपने कहा कि पुलिस को गिरी जिला में या जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो डीसीए बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 है वह क्या कहता है कि आंचलिक शब्द का आंचलिक भाषा की जानकारी, भाषा पर एनईपी भी भाषा की विस्तार से उस पर दिया गया है कि उस भाषा के अनुसार जानकारी होनी चाहिए। मान लिया जाए जिस लोकेलिटी में है अगर उस एरिया का भाषा हमको जानकारी नहीं है, हिंदी इंग्लिश बच्चे नहीं जानते हैं तो हम आंचलिक भाषा के द्वारा उसको समझाएंगे। तो जिस एरिया में हम रह रहे हैं, हम भोजपुर में रह रहे हैं, भोजपुरी हमको मालूम है, तो वहां का अगर हिंदी इंग्लिश नहीं जा रहा तो आंचलिक भाषा के द्वारा उसको हम पढ़ा सकते हैं। अगर मगह के लोग उधर चले जाएंगे तो वह भाषा उसको नहीं समझा सकते हैं। तो एनईपी में इस पर जोर दिया गया है। तो हमारा यह कहना नहीं क्वालिटी एजुकेशन है लेकिन वहां से उस नियरेस्ट उस प्रखंड के नहीं दूसरे प्रखंड के, उसी गृह जो प्रखंड है वो छोड़कर दूसरे प्रखंड के वहां शिक्षक रखा जाए जिससे वह वहां के लोकेलिटी के बारे में उनकी जानकारी हो, वहां के हाव भाव, वहां के बच्चे के बारे में अच्छे तरह से वहां का रूट मैप मालूम हो, इंटीरियर रिमोट एरिया में हो रहे हैं तो वहां के लोकेलिटी के बारे में भी उनकी जानकारी होनी चाहिए। आप मान रहे अभी आपने कहा कि अनुमंडलों में दे दिया जाएगा, आपने कहा दूर तक भी भेजा जाएगा, अभी आप कह रहे हैं कि जिलों में भी रखा जाएगा, तो जिला तो चेंज होगा ही, अब जब अनुमंडल की बात हो रही है तो क्या मानना उसे ब्लॉक लेवल तक लाया जाए? प्रखंड लेवल, मैंने कहा कि उसको 10 प्रखंड का ऑप्शन दिया जाए, अनुमंडल प्रखंड का, जी अनुमंडल का नहीं, नहीं अनुमंडल का नहीं, तो अनुमंडल बड़ा हो जाएगा, अनुमंडल बहुत बड़ा हो जाएगा, वो संभव नहीं है। नहीं, और तो आप रवि सर मान रहे हैं जो इनकी बात है कि ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, तकलीफ हो जाएगी शिक्षकों को जो अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे, मन कहीं और रहेगा, ये कहा भी गया है कि आपका चित्त कहीं और है, शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, चित्त शरीर कहीं और है, तो हम काम ढंग से कहां से करेंगे? ये बात तो ठीक है, जब देखिए हम लोग माने दोनों तरह से हमको देखना है, अगर यदि क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम और आम बात करते हैं, बिहार को हमको उस मुकाम पर ले जाना है, विकसित बिहार की ओर ले जाना है, यहाँ पर साक्षरता दर और ज्यादा बढ़े और बच्चे हमारे पढ़े और जो आपको राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बिहार के बच्चे, देखिए बिहार में माने बच्चों की क्षमता में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बिहार के बच्चे ही कहीं देखिए बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ 100% लेकर के आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पर बिहार के बच्चे हमारे बच्चे, क्योंकि हम लोग जबकि सरकार की इच्छा है, नीति सरकार चाह रही है कि बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर से बेहतर सुविधा स्कूल में जो भी हो सकता है वो सब मुहैया करा रही है, फिर देखिए कहीं ना कहीं ये जो यूनियन की बात होती है शिक्षकों का, ये कोई ना कोई लगता है कि उसको यूनियन, ये यूनियन जो है कहीं ना कहीं ये आपको कमजोर, आप मान रहे हैं ऐसे यूनियंस हैं जो जैसे आज शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे, हमने उनसे खास बातचीत की है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई कितना भी कुछ कर ली तो ठीक नहीं लगता है, तो कई यूनियंस आप गड़बड़ा रहे हैं या सच में शिक्षकों के मन में? नहीं, यूनियन से कोई मतलब नहीं, सर ने अभी बोले सर कि क्वालिटी एजुकेशन सर तो पहले भी शिक्षक रहा करते थे तो उसी एरिया के रहते थे जिसके कारण वहां से वो अच्छी तरह से उसको जानकारी दे सके, वहाँ के भाषा को समझ सके, तो पहले भी क्वालिटी एजुकेशन थी। अभी जो शिक्षक हमने दूर दराज से शिक्षक, ठीक है इसमें महिला शिक्षकों को कहा गया 70% अर्बन एरिया में रखा जाए, तो अगर अर्बन एरिया में पूरी महिला को रखा जाए तो फिर जेंट्स
नहीं रहेंगे तो फिर स्कूल संभालना भी मुश्किल है। सभी विद्यालय में रेशियो जो होना चाहिए वह लगभग बराबर होना चाहिए, जिससे विद्यालय बहुत अच्छी तरह से चल सके, संचालित हो सके। आपको लगता है कि मतलब अगर ये नियमावली जो अभी तत्काल है ये रहेगी तो इसमें दिक्कत होना है अभी और आगे विद्रोह होना है? दिक्कत विद्रोह नहीं, दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें इसमें दिक्कत आएगी। जी जी, मतलब सिर्फ आप अपने हिसाब से करें कि बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने, शिक्षकों ने कहा है, शिक्षक संगठन ने, शिक्षकों ने कहा, अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं। लेकिन कई सारे एप्लीकेशन तो चले गए हैं, एप्लीकेशन तो बीपीएससी वाले जो TR1 TR2 किया गया है तो उसमें कोई बंधन नहीं रखा गया है। उसमें रखा गया है कि अगर आप जाना चाहते हैं, ऑप्शन देना चाहते हैं तो 10 अनुमंडल का दें, नहीं तो आप जहां है वहां दे सकते हैं। तो जो दूर दराज में है वो अपना नजदीक आना चाहते हैं तो अपना ऑप्शन दे रहे हैं। और जो सक्षमता पास शिक्षकों जो हैं उनको जो 17 साल 15 साल 16 साल से अपने एक जगह पर हैं तो उनको ठीक है, अगर आप वहां नहीं रखना चाहते हैं तो उनको प्रखंड का ऑप्शन दिया जाए। प्रखंड की बात, 5 साल की बात तो कही गई ना कि 5 साल में फिर कर दिया जाएगा, ये संभव नहीं है। अगर हम एक जगह कहीं पोस्टिंग हमारी हो रही है वहां पर हमको स्थिरता होने के लिए 2-3-4 साल लग जाते हैं, जब मैं स्थिर होऊंगा फिर मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये तो संभव है नहीं। ये भी संभव नहीं सर, 5 साल वाली बात भी इन लोगों को स्वीकार नहीं है। देखिए शिक्षक, ये हम 2-3 तरह से देखिए इसको, हम समझना चाहेंगे भी और समझाना भी चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, अब जो हम शुरू में ही बात कहे कि जो शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुलिस में गृह जिला की पोस्टिंग नहीं होती, नंबर एक, आप गृह जिला में जाइएगा तो आप जो है सो जितना आपको 100% देना है वो आप नहीं देंगे, क्योंकि हर 10वां से 11वां आदमी आपके कनेक्शन का मिलेगा, तो आप जो सो पुलिसिंग नहीं कर पाइएगा। पुलिसिंग में कहीं ना कहीं आपको, हम आपके भतीजा, वो चाचा, वो नाना, वो आपके पड़ोसी, तो पुलिसिंग में तो खैर उसमें वहां तो चोर पकड़ना नहीं सर, तो यहां तो चोर और अपराधी को पकड़ना होता है, यहां पढ़ाना है सर। पुलिस और शिक्षक दोनों में बहुत सर, हम उसी पर आ रहे हैं। जी जी जी। अब देखिए बीच में, देखिए हमको नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे और हमको ही ग्रिल करेंगे, यह हम भी जान रहे हैं, लेकिन ये बात समझिए कि जो शिक्षकों की पिछले दिनों बहाली हुई उसमें कई लोग अपने जो पंचायत थे अपने घर के पास ही के स्कूल में उनका, तो मैं तो कह रहा हूँ सर कि वो प्रखंड को बदल दिया जाए, गृह प्रखंड को दिया जाए, गृह प्रखंड नहीं रखे, नहीं रखे प्रखंड, बदल प्रखंड दूसरे प्रखंड में रख दीजिए। हम उसी पर आ रहे हैं सर, उसी पर आ रहे हैं। तो वो वहां पर वो जाते ही नहीं थे स्कूल, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल प्राचार्य, आप ही को मान लीजिए वहां पर प्राचार्य बना के भेजा गया, यस आप गुरुजी वहां के हेडमास्टर हैं, तो वो डर से, हम मैं वहां पर हैं तो डर से नहीं बोलते थे, क्योंकि आप जाओगे तो उसी रास्ते से जाओगे। हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आप छोड़ दीजिए सबकी बात, पटना से लगा हुआ, आपको एकदम लगा माने पटना शहर राजधानी से आप निकलिएगा 10 किलोमीटर आगे जाइएगा, वहां पर एक स्कूल था, वहां पर एक प्रिंसिपल थोड़ी सी कड़ियल रही, तो वहां के प्रिंसिपल के साथ में वहीं के गुरुजी ने दुर्व्यवहार किया, वो भी महिला शिक्षक और महिला टीचर, तो वो महिला टीचर के जो कोई इशारा कर दिया उसे घर वाले उसको पकड़ के गेट पर बाहर में निकलने लगी, मार्केट हो गया। तो ये देखिए लोकल फैक्टर नहीं, लोकल फैक्टर भी होता है, ठीक है, तो लोकल फैक्टर सर ये तो गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उस चीज को अगर आप चाहते हैं तो वो प्रखंड चेंज कर दे, गिरी प्रखंड जो है वो गिरी प्रखंड चेंज करके दूसरे प्रखंड में दे दे, लेकिन अनुमंडल उचित नहीं। आपने आपको बोला कि अनुमंडल की बात बहुत जी, जी, आपने कहा क्वालिटी एजुकेशन की बात, तो प्रेफरेंस मांग रहे हैं अभी सर, सभी बहुत विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षक बहुत कमी है सर, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कर देने से क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ जाएगा, अभी दिक्कत कमी है, बहुत दिक्कत है। जैसे क्या दिक्कत है? अभी बहुत ऐसे स्कूल है सर जहां पर सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है, वहां पर वो कैसी पढ़ाई होगी? प्लस टू विद्यालय है, प्लस टू अब कॉलेजों से प्लस टू हटा दिया गया है, विद्यालय में लाया गया है उसको, तो विद्यालय में आने के बाद सर वहाँ के विषय बार में शिक्षक होनी चाहिए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, कंप्यूटर, सारी चीज का शिक्षक, लेकिन ऐसा नहीं है सर, बुनियादी सुविधाएं नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं। आप ट्रांसफर पोस्टिंग अनुमंडल कर देने से आप क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको NEP पर भी ध्यान देना होगा सर, आंचलिक भाषा जानकारी होनी चाहिए जिस क्षेत्र में आप हैं, अगर नहीं है तो आप क्वालिटी नहीं कर सकते। अगर जहानाबाद का व्यक्ति तो मिथिलांचल में मिथिला कैसे बोलेंगे, कैसे बोल लेंगे, उन्हें कल्पना नहीं कर सकते सर। माने देखिए ये भी एक सोचने वाली विषय है, ये कोई कर्नाटक वाली भाषा नहीं है, तेलुगु तेलम कन्नड़ की भाषा नहीं है, हम अपने ही बिहार में गंगा उस पार से इस पार आते हैं तो हम लोगों को भाषा का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हालांकि वो भाषा अगर यदि आप रही देखिएगा उतना टफ लैंग्वेज नहीं है, ट्विस्टेड नहीं सर, थोड़ा नहीं होता नहीं, थोड़ा सा हम इस पर रवि सर रोकेंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा मैं पूर्णिया गया था, लेक्षा सिंह ढासा के मंत्री, उनका ग्राम गौरव यात्रा चल रहा था,
मैं लेसी सिंह से ही सिर्फ बात कर पा रहा था क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण थे उनकी भाषा मुझे ये समझ में हिंदी ही था, लेकिन वो जो सीमांचल के लोग बोलते हैं भाषा, उनकी भाषा अलग होती है, करे छे खाए छे, तो मुझे वो समझ में नहीं आती थी। तो इसमें काफी तो दिक्कत होगी। और आप कह रहे हैं फिर वहाँ जाकर रहना है, वहाँ जाकर पढ़ाना है, बसना है। देखिए वो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वो बच्चे होंगे स्कूल के और वो ग्रामीण जो है सो वह अशिक्षित महिला होंगी। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अशिक्षित महिला को का उनका वही लैंग्वेज वही टंग है। लेकिन बच्चे भी तो बोलेंगे ना, जरूरी थोड़ी कि उनके जो निर्धन बच्चे हैं वो उस बड़ी फैमिली से है। देखिए जो भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, निश्चित रूप से निर्धन बच्चे हैं, तो उनको हमको बेहतर बनाना है, उनका भविष्य बनाना है, उनको देश के नवनिर्माण में कल को वही बच्चे आगे जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब प्रोफेसर साहब को हम बताना चाहेंगे 2005 में शिक्षा पर बिहार सरकार कितना खर्च करती थी। 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे 2005 में, और वही जो है सो आज यह खर्च 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये 25 और 60, अब समझिए कितना खर्चा है, कितना बड़ा यह फासला है। तो ये गैप है, ये ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और उसके बाद ये स्थिति है। तो आप मान रहे हैं यहाँ पर दिक्कत कहाँ हो गई थी? ठीक है, आपने कहा 5 साल वाली बात भी ठीक नहीं है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग नीति रहेगी तो यानी कि दिक्कत आगे होना है। जी दिक्कत हो गई है, दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हमको अपने आप को शिक्षा देना है। नहीं, आप उदाहरण के साथ बताइए, उदाहरण के साथ जैसे मान लिया जाए हमारी पोस्टिंग, हम पटना में अभी पोस्टेड हैं और हमारी पोस्टिंग भभुआ में हो गई। हम यहाँ अपने परिवार के साथ रह रहे थे, विद्यालय समय पर जा रहे थे, अब विद्यालय में शिक्षा दे रहे थे, फिर उसके बाद घर पर, और यहाँ से जब हम भभुआ हमारी पोस्टिंग हो जाएगी तो वहाँ पर हम अपना अपना रहने का सुविधा, विद्यालय जाने की सुविधा, फिर यहाँ हमारा परिवार है उसकी सुविधा। एक तो हमारी पेमेंट कम है, जो अभी शिक्षकों की बहाली हुई या पुरानी जो शिक्षकों की वेतन थी वो तो मिल नहीं रही है, ये नए तरह का पे स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे पुराना वेतन मिलता था वैसा नहीं, नहीं पुराना जो शिक्षकों की वेतन थी वह वेतन तो है नहीं, यह नया तरह का पे स्ट्रक्चर है। पे स्ट्रक्चर में काम उतना ही वेतन से पास जो जी सबका सर सबका सबका पे स्ट्रक्चर नया दिया गया है, पुराने शिक्षकों का वेतन के अनुसार नहीं दिया गया, पहले पुराना काम उतना ही है जी, काम उससे अधिक है, पहले से काम जो हुआ करता था उससे काम की संख्या बढ़ गई है, काम बहुत हो गए हैं, सारा चीज ऑनलाइन हो गया है, रोज एक से एक एक्टिविटी होते रहती है। तो सर वेतन के अनुसार हमको घर परिवार भी देखना है, अपने आप को भी वहाँ रखना है, शिक्षा भी देना है। अगर हमको मनोस्थिति अगर सही नहीं होगी तो हम शिक्षा सही नहीं दे सकते, शिक्षा सही दे पाएंगे और फिर अच्छे समाज की। लेकिन एक बात है सर, जी सर, अभी सरकार जो है इस पर बड़ा चिंतित है कि इंटरनेट मीडिया नहीं, वो तो कह रहा था सर, एक मिनट हम रोकेंगे आपको, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो अंदर जो जिला कमेटी होती है वहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या मुख्यालय में जाकर के आप जो सेक्रेटरी होते हैं उनके अंदर जो कमेटी होती है। सर हम शिकायत का मौका दें क्यों, करने की जरूरत पड़े, आप उसको सुधार क्यों नहीं कर दिया जाए, अपने सुधार हम क्यों हमको दौड़ना पड़े, यहाँ वहाँ शिकायत दर्ज करना पड़े, हम उसको सुधार कर देते हैं, मंडल नगर का प्रखंड कर दें हम, यानी कि आप पढ़ाएंगे कि आप शिकायत करने जाएंगे। अब हम दौड़ के ऑफिस दौड़ते रहे, एक ऑफिस जाने में कितनी परेशानियां होती है, उसकी सामना करना पड़ता है, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। गंभीर मसला है, अंतिम प्रतिक्रिया अभी से लेकर मसला तो गंभीर है। देखिए अभी सरकार जो है सो इस पर जो है सो माने हमको लगता है कि आप लोगों को भी जानकारी होगी, इंटरनेट मीडिया से बच्चों को दूर रखने की बात कही जा रही है। अब इस पर यूटर्न तो नहीं लेंगे सरकार के लोग, इंटरनेट मीडिया की बात ठीक है आप ला रहे हैं, लेकिन नियमावली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति जो बनी है उसमें यूटर्न कहीं सरकार नहीं लेगी, सरकार अभी तो नहीं ले रहा है सर, वो यूटर्न नहीं लेगी। देखिए हम थोड़ा सा मैंने इतर बात कर रहे हैं, इंटरनेट मीडिया से दूर रखने के लिए बच्चों की बात कही जा रही है, और इस पर ये ऐसी नहीं कही जा रही, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट मीडिया को दूर रखने के लिए वहां शोध भी हो रहा है और इस पर काम भी चल रहा है कि बच्चों को उससे दूर रखा जाए, कहें कि बच्चे जब इंटरनेट पर जो आजकल चल रहा है तो उस पर बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, लेकिन आप मान रहे हैं सरकार अभी अगर यूटर्न नहीं लेती है, जब आप लोग चाह रहे हैं कि बदल दे नीति में कुछ बदलाव करें तो अभी दिक्कत तो होनी है। सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर सुझाव अपना सोचे और इस पर कुछ ध्यान दे। चलिए बहुत शुक्रिया, देखना होगा सर, क्योंकि तकलीफ तो इंसान को हो रही है, शिक्षकों को हो रही है, शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गोद में प्रकाश और प्रलय दोनों ही पलते हैं, ये सुना है हमने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, इन जो ऐसी जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को सिर्फ 5
सितंबर को लिख देने से, 5 सितंबर को कह देने से माइक पर ही सिर्फ शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है, उनकी तकलीफों को भी समझना होगा, सरकार क्या करेगी देखना होगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण दयाल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल के। रवि उपाध्याय सर बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें जाननी जरूरी थी, व्यूअर्स को जाननी जरूरी थी, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें, और जितने टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रखेंगे। धन्यवाद।